चांद पर उगा पहला कपास का पौधा नष्ट हुआ, वजह तापमान 170 डिग्री तक गिरा। चीन ने मंगलवार को ही चांद पर पहली बार कपास का पौधा उगाने का ऐलान किया था, लेकिन अगले ही दिन इस पौधे के मरने की खबर आ गई। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर उगाया गया पहला कपास का पौधा रात में तापमान -670 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की वजह से मर गया। सूरज की रोशनी में तो ये पौधा अच्छी तरह बढ़ रहा था, लेकिन रात होते ही तापमान गिरने की वजह से मर गया। चांद पर एक रात 2 हफ्ते की होती है, इस दौरान वहाँ तापमान गिर जाता है। दिन के समय यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है। चीन ने 3 जनवरी को भेजे थे आलू, कपास के बीज। चीन ने 3 जनवरी को रोवर चांगीन के साथ कपास, आलू और सरसों के बीज के अलावा मक्खी के अंडे भी भेजे थे, लेकिन इनमें से सिर्फ कपास का ही पौधा चांद पर पनप पाया, बाकी पौधों में कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने आलू और सरसों के बीज भी अंकुरित होने की उम्मीद जताई थी। इसी के साथ चीन पहला ऐसा देश बन गया था जिसने चांद पर किसी पौधे को उगाया था। रविवार से शुरू हो गई थी चांद पर रात। चीन के इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले वैज्ञानिक शाई गेंगशिन ने कहा कि हमें पहले से ही इस पौधे के जल्दी मरने की आशंका थी, क्योंकि रात के समय वहां किसी भी पौधे के लिए बच पाना नामुमकिन है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि लैंडिंग के बाद रविवार को चांद पर पहली रात थी और रविवार से ही चांगीन रोवर स्लीप मोड में चला गया था। चांद पर नहीं डालेंगे प्रतिकूल असर, शाई का कहना है कि धीरे धीरे पौधे और बीज चांद पर डिकम्पोज हो जाएंगे और इससे चांद के वातावरण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। उन्होंने कहा, चांद पर पौधे उगाने का प्रयोग हमने पहली बार किया था और हमें इसका कोई अनुभव भी नहीं था कि चांद पर किस तरह का वातावरण होता है।